नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल और ठीक ठाक। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते यार अपनी वीडियो पर। बच्चे और बड़ों को पढ़ा हम तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार पहले की भविष्य, तो अभी यार इन्वेस्ट करने जा रही है भैया सेमी कंडक्टर के लिए, जो कि बोली है एक कंपनी है भैया जर्मन लिथो, ये कंपनी है जो कि बहुत ग्रो की है एंड उसके साथ इन्वेस्ट की है पार्टनरशिप के साथ सेमी कंडक्टर बनाएगी। अच्छी बात है सेमी कंडक्टर बना रही है तो गुडी है। फिर कहते हैं भाई गूगल से, तो गूगल पिक्सल कहते हैं बोला है कि गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो के लिए कहते हैं, जो कि कहते हैं वॉलपेपर आती है, अब वो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने गूगल फोन्स के लिए। तो यार अच्छी बात है भैया, उसकी वॉलपेपर्स एंड इसकी वॉलपेपर्स सेम ही रहेगी। फिर अगर ऑनर से, तो ऑनर की X20 यार लॉन्चिंग डेट आ गई है, जो कि बोली है शायद ही 12 अगस्त को इसके इवेंट पे लॉन्च ही होगी। बड़े 12 अगस्त को भाई कहते बहुत चीज़ लॉन्च हो रही है, ऑनर मैजिक 3 भी यार कहते बहुत चीज़ है, बट देखते कहते ऑनर का मन बैठा है तो वो भी देखते हैं। फिर अगर सैमसंग से, तो सैमसंग गैलेक्सी A52S के कहते बोली है लॉन्चिंग डेट आ गई है, जो कि बोली है शायद ही 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच लॉन्च हो सकती है, बट मैं प्रूफ दिया हूँ, देखते हैं। फिर अगर रियलमी से, तो रियलमी कहते बोली है हमारे बन गए हैं 100 मिलियन यूज़र्स, जो कि बोली है सबसे ज़्यादा यूज़र अपने इंडिया में है, तो सबसे बड़ी मार्केटिंग अपने इंडिया में कब्जा ली भैया, कब्जो नहीं हुई है उसको, मतलब कहते भैया एक इंटर कर दी, बड़ी अच्छी इंटर कर दी है। फिर एक कॉलकम से, तो कॉलकम की स्नैपड्रैगन वीआर एक नई नहीं कहते उसकी वॉच के लिए, तो वॉच के लिए नया कहते स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लाया है, जो कि बोला गया स्नैपड्रैगन वीआर 5100 चिपसेट, जो कि अच्छी बात है कहते यार एक क्या कहते ऑप्टेन करेगा बैटरी के लिए, दैट इज़ गुड, बैटरी नहीं वॉच के लिए। फिर अगर कहते सैमसंग से, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 एंड Z Flip 3, जो कि बोली है भैया अपने इंडिया में कहते प्राइस लिखी हुई है, जो कि बोली है शायद ही गैलेक्सी फ्लिप 3 की प्राइस रहेगी 80,000 से 90,000 बीच, एंड अगर जेड फोल्ड 3 की 135,000 से 50,000 के बीच, दैट इज़ गुड बट प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर अगर शॉमी से, तो शॉमी एम आई मिक्स क्या कहते हैं लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो गई है, बोली है कि ये कहते हैं शायद ही समथिंग 12 से 20 अगस्त के बीच लॉन्च होगी, तो देखते कहते हैं। और एक कहते हैं और लिखिंग दिया है कि समथिंग एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के साथ आया कि शायद ही फ्लेक्सिबल स्क्रीन दिया है, वो भी पता नहीं है। फिर अगर रियलमी से, तो रियलमी 8i एंड 8s से लॉन्चिंग के लिए तैयार होगी इंडिया में, जो रियलमी के कहते CEO कन्फर्म किया भैया कि लॉन्च होगी अपने इंडिया में ही। फिर एक बार रियलमी फिर से, रियलमी GT एंड GT मास्टर एडिशन की लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो गई है, बोली है कि अगस्त 18 को आएगी, 18 अगस्त को, हाँ 18 अगस्त को लॉन्चिंग डेट आ गई, मतलब 22 से 23 तारीख के बीच आप परचेस कर सकते हो, अपने बहन को गिफ्ट दे सकते हो, बट जो प्राइस है वो है 30,000 रुपये, दैट इज़ ओवर रेट, नहीं यार सही है। फिर एक सैमसंग से, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की एक बात कही गई है, जो कि बोली है यार सब जब से अगर सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज आई है वो बिकना एकदम बेकार हो गई है, समथिंग एकदम बेकारी बनी है एक तरफ से मैं कहूँगा। तो देखते हैं S22 सीरीज भी आ रही है, वो क्या फ़ायदा भाई, वो तो देखते एक बात चलता है। फिर ऑनर से, तो ऑनर रिलीज़ कर दिए क्या कहते हैं मैजिक 3 के लिए एक वीडियोज़, जो कि बोली है कॉम्पैक्ट लुक एंड बेटर डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस अच्छा है, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, इट इज़ गुड। फिर टेस्ला से, तो टेस्ला कहते हैं टेस्ला में कहते एक एक्सीडेंट होने से बचा था ऑटो पायलट मोड से, जो कि बोला गया कहते एक आदमी कहते हैं ड्रिंक किया था एंड अचानक कहते हैं वो स्टेरिंग छोड़ दिया, अचानक कहते वो ऑटो मोड में चला गया ऑटो पायलट मोड में, तो एक क्या कहते आदमी की जान बचाई है, तो यार अच्छी बात है ऑटो पायलट मोड गुड हो गया है। फिर अगले कहते ओप्पो से, तो ओप्पो कहते हैं भाई ओप्पो बोला है क्या कहते हैं मैं बनाऊंगा डायमेंसिटी 810, यस सर डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर लगेगा, जो बोला है कि शायद ही सितंबर में आ सकता है, तो सितंबर में आएगा तो उसके लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिर अगले कहते हैं भाई मैं एप्पल से, तो एप्पल की न्यू मैजिक कीबोर्ड यार लॉन्च होगी भैया हर जगह, उसकी बोली है एप्पल टच आईडी के साथ आई है, तो कीबोर्ड में ही टच आईडी है, अच्छी बात है। फिर अगर कहते हैं भाई वन मोर से, तो वन मोर यार इंडिया की कंपनी है क्या कहते हैं, जो कि गैजेट बनाती है, वन मोर कंपनी है, एक से ज़्यादा नहीं वो वन मोर कंपनी है एक नाम दिया गया है, जो कि बोली है 3 ऑडियो प्रोडक्ट निकाली है, किस साथ मिलके भाई ओम थिंक के साथ मिलके बनाई है, शायद ही चाइनीज कंपनी है, बट अगर जो वन मोर कंपनी है वो तो अपने इंडिया में बन के आई है भैया, जो कि बोली है शायद 1499 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस है, 1499 की स्टार्टिंग प्राइस है, शायद ही नेकबैंड ऑडियो प्रोडक्ट, अच्छी बात है। फिर अगले कहते हैं भाई एक्सबॉक्स से, तो एक्सबॉक्स का क्या कहते हैं नया कहते हैं सीरीज आने वाला है, बोला है कि एक्वा स्विफ्ट स्पेशल एडिशन आएगा, एक नया एडिशन आने वाला है, जो कि बोला है ब्लू कलर के एडिशन में आएगा एंड प्राइस रहेगी $70, ठीक है भैया कंट्रोलर है अच्छी बात है। फिर अगले कहते हैं भाई
PS5 से, तो PS5 अगर कहते बोला है कि एक PS5 एक नया जनरेशन आने वाला है, मैकडोनल्ड जनरेशन, जो कि अगर एक नया कहते एडिशन टाइप में रिलीज़ किया है, तो मैकडोनल्ड कहा भैया कि मैं निकालूंगा ही। फिर अगर युआमी से, तो युआमी अगर एक नया कहते MS Fit Pop Pro स्मार्ट वॉच, जो कि बच्चों के लिए निकाला है एंड प्राइस नहीं निकला है, बट एक का कहते एडिशन लीक हुआ है, तो यार प्राइस जो भी लीक हुआ है आने के बाद पता चलेगा ही। फिर अगर कहते भाई ऑनर से, तो ऑनर V7 Pro की यार टीजर दिखी गई है, जो कि बोली है कहते हैं कीबोर्ड केसेस दिखा गया है एंड सो ऑफ एडॉप्टिंग समथिंग एक स्क्रीन है, एडॉप्टिंग स्क्रीन है, तो जो कि बोला गया 12 अगस्त को आएगी। 12 अगस्त को बहुत अच्छा आएगा, था शायद ही इवेंट में ही धमाका हो जाए। फिर एक लेनोवो से, तो लेनोवो बोला है भैया आप टैबलेट पर लॉन्च करोगे 2 साल की वारंटी के साथ चाइना में, जो कि बोला है जितने भी हमारे पुराने कस्टमर है उनको अगर मैं 2 साल की वारंटी दूंगा ही। फिर अगर रिवोल्ट से, तो रिवोल्ट यार अपने इंडिया में तो आई है, बट बोला जा रहा है रिवोल्ट की एक नई बाइक आने वाली है, RV1E मोटर बाइक, भैया इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो कि बोला है ये कहते जल्द ही इंडिया में लाने की कोशिश है, तो अच्छी बात है, बजट है। फिर अगर वीवो से, तो वीवो पेटेंट के भैया स्मार्टफोन्स, जो कि बोला है यूनिक सुपर कैमरा है, तो पॉप कैमरा है, कैमरा के अंदर कैमरा है, जिस तरह आप देख रहे हो उसी हिसाब से कहते हैं भाई कि बड़ा यूनिक है, एक यूनिक मैं कहूँगा, यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ कैमरा निकालेगा उसमें, तो पॉप कैमरा नहीं बोलूँगा, एक यूनिक कैमरा बोलूँगा। फिर अगर सैमसंग यार ओवरटेक कर दिए इंटेल को, तो सैमसंग बन गई है थोड़ी सी नंबर वन, मतलब इंटेल को पछाड़ के बन गई नंबर वन, जो कि बोली है वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी बन गई है, चिप बनाने में नंबर वन आ गए, अच्छी बात है। फिर अगले बताते हैं भाई एक सोर्स से, तो बोला गया जो कि जितने भी विंडो लैपटॉप्स निकली है अब में और क्रोमबुक निकलेगी, बोली कि आने वाले समय में कहते हैं बोली कि समथिंग जितनी भी कहते कंपोनेंट आती है वो हो गई है कमी, कंपोनेंट की कमी से कहते अभी आने में शायद दिक्कत हो जाए, तो अभी कहा गया अभी तो चिप शॉर्टेज समस्या थी, अब कंपोनेंट का दिक्कत है, तो यार अच्छी बात नहीं है। फिर अगले वन प्लस से, तो भाई वन प्लस की नॉट 2 भैया जो शर्मा जी का फट गया, डैमेज हो गया उनका मोबाइल, जो कि बोला जाता है भैया कि वन प्लस उनसे बात किया था और कहा भैया कुछ फ़ोन में ऐसे ही मिल गया, एक बैग ही मिल जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी मैं आपको नया फ़ोन दूंगा, तो यार अच्छी बात है। फिर अगर रियलमी से, तो रियलमी डॉट यार लॉन्च हुई चाइना में, यस अपने इंडिया में भी लॉन्च हुई, ग्लोबली लॉन्च हुई है, बट इंडिया में नहीं, बोला गया कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी सपोर्ट करेगा यार रियलमी फ्लैश और बहुत से गैजेट कल यार लॉन्च हुई थी, अच्छी बात है। फिर अगर IQ से, तो IQ8 में एक कहते हैं नई स्पीच लीक हुई है, बोली कि वर्ल्ड फर्स्ट स्पोर्ट्स सैमसंग E5S डिस्प्ले आई है, जो कि कहते हैं बहुत अच्छी डिस्प्ले है एंड कहते हैं बोली है कि 2K रेजोल्यूशन के साथ भी आएगी, तो अच्छी बात है। पहले एप्पल से, तो एप्पल बोली है मैं जो आईफोन 13 निकालूंगा वो चाइनीज मेकर कंपनी के साथ मिलकर बनाऊंगा, तो शायद ही प्रोडक्शन के साथ यार कंप्लीट हो जाए। फिर जो कहते हैं HP से, तो HP X सीरीज गेमिंग मॉनिटर यार लॉन्च हो गई है इंडिया में, जो कि बोली है अभी अनाउंस की इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, बोली बोली है कि 165Hz रिफ्रेश रेट है, दैट इज़ गुड, जो प्राइस है 20,000 रुपये। फिर अगर LG से, तो LG ग्राम 14 लैपटॉप्स यार लॉन्च हुई इंडिया में, कल लगी कि सेल, प्राइस है 74,990 रुपये, मतलब 74,490 रुपीज़, दैट इज़ गुड, बट आने के बाद भी कल लोग रिव्यू देंगे तो अच्छी बात रहेगी। फिर अगले कहते हैं भाई आईफोन से, तो आईफोन बोला है कि अपकमिंग जो आने वाली फ़ोन रहेगी आईफोन, उसमें छोटी छोटी कंपोनेंट लगाई जाएगी और बड़ी बैटरी लगाई जाएगी, ये कंपनी कहा गया है, शायद ही कोई ना कोई निकाल सकता है अगली बार आईफोन 14 में गैजेट यूज हो जाएगा। तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, कल भी नए न्यूज के साथ, बट जितने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए एंड आज के लिए जय हिंद। Doesn't even